मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमा और मिनिमा की जो वर्किंग मेथड है और इसकी जो कंडीशंस हैं वो हमने डिस्कस की थी। आज हम उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। ये वर्किंग मेथड थी कि जब अगर आपके पास कोई फंक्शन है देन फर्स्ट कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड आर एस टी एंड कैलकुलेट द क्वांटिटी rt minus s square एंड देन वर्क अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ rt minus s square, दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड इक्वल्स टू जीरो। इफ पॉजिटिव देन फंक्शन मस्ट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, इफ नेगेटिव देन फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एंड इफ इक्वल्स टू जीरो देन वी हैव नो कॉन्क्लूजन एंड वी कांट से दैट अबाउट एनीथिंग। नाउ द एग्जाम्पल फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स माइनस वाई। नाउ द सोल्यूशन इज, दिस इज द क्वेश्चन, फंक्शन टू वेरिएबल फंक्शन। नाउ फर्स्ट कैलकुलेट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एंड डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड डेल जेड ओवर डेल वाई। इन पार्शियल डेरिवेटिव वी नो द रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, व्हेन वी सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट एंड व्हेन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज अ कॉन्स्टेंट, देन वी हैव डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड डेल जेड ओवर डेल वाई इन इक्वेशन नंबर वन एंड टू। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स पुट डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल्स टू जीरो एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। नाउ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड बिकम्स डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी हैव इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। यू हैव सो मैनी मैथड्स टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन मैथड्स, एलिमिनेशन मैथड्स एंड कंपेयरिंग मैथड। हेयर वी चूज कंपेयरिंग मैथड। सो इन दिस इक्वेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वाई इन बोथ द इक्वेशन एंड कंपेयर दैट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव थ्री इंटू वन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड नेक्स्ट टू इंटू वन माइनस एक्स माइनस वाई इंटू वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वाई इन बोथ द इक्वेशंस। इक्वेशंस फर्स्ट गिव्स वन माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स बाय थ्री एंड सेकेंड गिव्स सेम वैल्यू इक्वल्स टू वाई बाय टू। हेयर वी सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, सो वी मस्ट हैव राइट हैंड साइड, सो वी ऑल्सो हैव राइट हैंड साइड इज इक्वल, दैट मीन्स एक्स बाय थ्री इक्वल्स टू वाई बाय टू इज इक्वल टू वाई बाय टू एंड एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई बाय टू। नाउ दिस इक्वेशन पुट इन इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री, सो दैट वी गेट वाई इक्वल्स टू वन बाय थ्री एंड पुट द वैल्यू ऑफ वाई देन वी गेट एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू। कि जो भी आप सॉल्व करेंगे डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल्स टू, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, उसको आपको जीरो के इक्वल रखना है। जीरो के इक्वल रखने के बाद आपके पास बहुत सारी मेथड्स हैं, एलिमिनेशन, कंपेयरिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब एक एक्स के वैल्यू फाइंड करके आप दूसरी इक्वेशन पुट कर दीजिए, या जो आपको शॉर्टकट लगता है। यहाँ मैंने कंपेयरिंग मेथड सॉल्व अप्लाई की है कि जो दो ब्रैकेट हैं वन माइनस एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और फिर उनको इक्वेट कर दिया है दोनों को। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिली, एक्स की वैल्यू को हम वापस से इक्वेशन नंबर उसमें वाई की वैल्यू
एक्स की वैल्यू मिली, एक्स की वैल्यू को हमने वापस से इक्वेशन नंबर 3 में रखा, 3 से हमें वाई मिला, और फिर वाई की वैल्यू जब हम एक्स इक्वल्स टू 3y अपॉन 2 में रखेंगे तो वहाँ से हमें एक्स मिल जाएगा। ये हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गए हैं, दैट मीन्स इन पॉइंट पर पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, ज़ीरो है। जब इन पॉइंट पर पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो है उस केस में उस पॉइंट पर या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी या फिर वो सेटल पॉइंट भी हो सकता है या नो कॉन्क्लूजन वाला केस भी आ सकता है। बट ये यहाँ से आपको ये मिला कि ये एक पॉइंट है जहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो है। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं आर एस और टी। आर स्टैंड्स फॉर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, टी स्टैंड्स फॉर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर एंड एस स्टैंड्स फॉर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। आर के लिए आपको जेड को दो बार डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, टी के लिए आपको वाई जेड को दो बार डिफ्रेंशिएट करना है वाई के रिस्पेक्ट में, और एस के लिए आप पहले डेल जेड ओवर डेल एक्स फाइंड करें और फिर उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, या आप उसका अपोजिट भी कर सकते हैं, पहले आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें फिर उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। अब ये जो हमें दो वैल्यूज़ मिली हैं एक्स इक्वल्स टू 1/2 एंड वाई इक्वल्स टू 1/3, पुट दिस वैल्यूज इन आर टी एंड एस एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर टी माइनस एस स्क्वायर। ये आर एस टी फाइंड किया हमने इस पॉइंट पर, अब आपको क्या फाइंड करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर। ये आर टी माइनस एस स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया, क्या वैल्यू है यहाँ पर, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव है दैट मीन्स फंक्शन मस्ट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, आर इज नेगेटिव देन वी हैव मैक्सिमम। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गई, तो ये पॉजिटिव है फिर आर नेगेटिव है, तो जब आर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम। अब जब फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ले रहा है तब आपको वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो जेड है, जेड जो ये हमारा फंक्शन था, ये देखिए ये हमारा फंक्शन है जेड इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 - x - y। अब ये जो आपका z है, इस z में आपको x और y की वैल्यू रखनी है। x क्या है 1/2 और y 1/3। यहाँ से हमें z की वैल्यू क्या मिल गई, 1/4 which is the maximum value in the given interval।